लाहौल और कुल्लू घाटी में आने वाले दिनों में खूब रौनक देखने को मिलेगी। फागली उत्सव के अवसर पर बौद्ध धर्म के लोगों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद बड़े बुजुर्गों को जूब बांटी और आशीर्वाद लिया। जगदीश टंशी दोरजे सोनम बा रामदेव यांबा ने बताया कि इस वर्ष फागली उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। फागली उत्सव जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व किन्नौर के लोगों का होता है, लेकिन अब इस परंपरा को कुल्लू के स्थानीय लोग भी निभाने लगे हैं। इस दौरान पारंपरिक व्यंजनों की महक से समूचा इलाका महक उठा। बता दें कि फागली के मौके पर रिश्तों को मजबूत करने के लिए छोटों द्वारा बड़ों को दूब दी जाती है। लाहौल के लोगों ने देवी देवताओं की पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद जूब देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पुष्प व हरियाली के प्रतीक उगे हुए गेहूं की डालियों का आदान प्रदान किया गया। मान्यता है कि इस पर्व के बाद लाहौल घाटी में सर्दी का सितम कम होना शुरू हो जाता है। पिछले 3 दिनों से शुरू है और पहले दिन गुंतरई, उसके बाद घुनू, पिछले कल कुयक था और आज सिले, और ये कल भी चलेगा। कल पुना के रूप में इसे मनाया जाता है। और ये उत्सव हमारे लाहौल में राजा बलि की इसमें राजा बलि की पूजा अर्चना की जाती है और बराजा करके एक प्रतीक बनाया जाता है, उस प्रतीक में प्रतीक की पूजा करते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो भी गांव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब आपस में मिलजुल कर इस उत्सव को मनाते हैं। इसमें जो छोटी उम्र के जो भी सदस्य होंगे घर के या गांव के या रिश्तेदारी में, वो बड़ों के पास उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, और बड़ों से उनको आशीर्वाद वगैरह भी बड़े अच्छे से मिलता है। और इसके साथ साथ भाईचारा बढ़ता है और आपस में प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है आज कल के ज़माने के हिसाब से। हाँ, ये प्रभाव